Undertaker vs. Randy Orton, The Legend vs. The Legend Killer, 2005 का ये फ्यूड हम आज भी याद करते हैं। कितनी बार टेकर और ऑर्टन ने वन ऑन वन मैचेस में एक दूसरे को रेसल किया। 2002 के उनके फर्स्ट मैच के बाद क्यों विंस मैकमैन नाराज थे? क्या अंडरटेकर को बॉब ऑर्टन के खून से खतरनाक बीमारी हो गई थी? क्या प्लान था कि ऑर्टन अंडरटेकर का स्ट्रीक ब्रेक करेंगे? क्या ये 2005 की सबसे बेस्ट राइवलरी थी? जानेंगे इन सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। आज हमें याद भी नहीं होगा, मगर अंडरटेकर और ऑर्टन फर्स्ट टाइम आमने सामने आए थे मई 2002 के स्मैकडाउन के एपिसोड पर। अंडरटेकर चैंपियन थे और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये इनका इकलौता टाइटल मैच था। भले ही टेकर ये मैच जीते, मगर इनिशियल पार्ट में उन्होंने ऑर्टन को डोमिनेट करने दिया। एक हिप टॉस, ह्यूज बैकड्रॉप और क्लोथ लाइन, ये ऑर्टन के लिए बड़ी बात थी। और कहा जाता है कि विंस मैकमैन अंडरटेकर से बैकस्टेज नाराज थे कि टेकर ने ऑर्टन को कुछ ज्यादा ही पुट ओवर किया। टेकर ने कहा, विंस यही तो करना है, नए स्टार्स बनाने हैं। ये इंसिडेंट अंडरटेकर की कमिटमेंट और विजन दिखाता है। ऑर्टन और टेकर का लेजेंडरी 2005 फ्यूड शुरू हुआ मार्च 7, 2005 के रॉ पर। यहाँ रैंडी ऑर्टन ने एक प्रोमो कट किया और सीधे अंडरटेकर को चैलेंज कर दिया। यहाँ ऑर्टन ने कहा कि रेसलमेनिया 21 पर लेजेंड किलर वर्सेस लेजेंड मैच में वो अंडरटेकर को हरा देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 12-0 स्ट्रीक को वो 12-1 कर देंगे और खुद उनका एक नया स्ट्रीक शुरू हो जाएगा। यहाँ इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ऑर्टन अभी भी एक फेस थे। इस प्रोमो के बाद उन्होंने रिंग में आए एरिक बिशॉफ को आरकेओ भी दे दिया। मार्च 10, 2005 के स्मैकडाउन पर अंडरटेकर ने ऑर्टन का चैलेंज एक्सेप्ट कर दिया। अगले वीक रॉ पर हाईलाइट रील पर ऑर्टन जेरिको और जेक द स्नेक रॉबर्ट्स के साथ नजर आए। यहाँ जेक रॉबर्ट्स को आरकेओ देके वो हील बन गए। उस वीक स्मैकडाउन पर कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग पे रैंडी ऑर्टन और टेकर आमने सामने आए। यहाँ ऑर्टन ने अंडरटेकर को थप्पड़ मार दिया। अंडरटेकर के गुस्से से उनकी जो पावर्स निकल आई वो देख के ऑर्टन भाग गए। मार्च 21, 2005 के रॉ पर ऑर्टन अपनी स्टोरी लाइन गर्लफ्रेंड स्टेसी कीबलर के साथ रिंग में नजर आए और एक टी शर्ट दिखाया जिसमें उनकी लेजेंड किलर लिस्ट दिखाई गई थी। ऐसे लगा कि वो स्टेसी को प्रपोज करेंगे, मगर उन्होंने स्टेसी को आरकेओ दे दिया और पूरी तरह से हील बन गए और कहा कि उनका ये आरकेओ उन सभी लोगों के लिए एक मैसेज है जिन्हें लगता है कि रेसलमेनिया पर ऑर्टन अंडरटेकर को नहीं हरा पाएंगे। नेक्स्ट वीक ऑर्टन ने रॉ पर प्रोमो कट करते हुए फिर से कहा कि ऑर्टन का खुद का रेसलमेनिया स्ट्रीक पिछले रेसलमेनिया के साथ शुरू हुआ है और वो टेकर से नहीं डरते। तभी रिंग को आग लग गई और ऑर्टन वहां से भाग गए। इसके बाद एक मेमोरेबल सेगमेंट में हमने देखा कि केन ने ऑर्टन को बैकस्टेज कन्फ्रंट करते हुए कहा कि वो बात चाहे कुछ भी करे, डर उनके चेहरे पर साफ नजर आ रहा है। उसी वीक स्मैकडाउन पर हमने देखा कि ऑर्टन के पिता काउबॉय बॉब ऑर्टन रिंग में आए और उन्होंने अंडरटेकर से रिक्वेस्ट की कि वो रैंडी के साथ ज़्यादा सख्त ना रहे, मगर ये साजिश थी अंडरटेकर को डिस्ट्रैक्ट करने की और ऑर्टन ने आके अंडरटेकर को आरकेओ दे दिया। रेसलमेनिया 21 का उनका मैच शानदार था। फर्स्ट टाइम ऐसे लगा कि शायद अंडरटेकर का स्ट्रीक टूट सकता है। ऑर्टन ने जब आरकेओ दिया तो काफ़ी क्लोज कॉल था। बॉब ऑर्टन के इंटरफेरेंस से लगा कि अब शायद 3 काउंट हो ही जाएगा। फाइनली ऑर्टन ने अंडरटेकर को टूमस्टोन देने की कोशिश की, मगर अंडरटेकर ने रिवर्स कर दिया और मैच जीत गए। WWE को ये मैच इतना पसंद आया कि उन्होंने ऑर्टन को रॉ से स्मैकडाउन पर ड्राफ्ट कर दिया। July 28, 2005 के स्मैकडाउन पर मेन इवेंट था JBL वर्सेस अंडरटेकर फॉर नंबर 1 कंटेंडरशिप ऑफ वर्ल्ड चैंपियनशिप। इसी मैच में आउट ऑफ नोवेयर ऑर्टन ने आके टेकर को आरकेओ दे दिया और टेकर मैच हार गए। नेक्स्ट वीक ऑर्टन ने कहा कि अंडरटेकर ने रेसलमेनिया 21 पर उनसे अपनी एक लेगेसी क्रिएट करने का मौका छीन लिया, इसीलिए उन्होंने अंडरटेकर से चैंपियन बनने का मौका छीना है। उन्होंने टेकर को समर स्लैम के लिए चैलेंज भी कर दिया। अंडरटेकर तो नहीं आए, मगर टाइटन ट्रॉन पर वीडियो प्ले हुआ जिसमें टेकर की आवाज और शब्द आए आरकेओ RIP। अगले हफ्ते का स्मैकडाउन इंटरेस्टिंग था क्योंकि कमाला रैंडी ऑर्टन के सरप्राइज अपोनेंट रहे। कमाला और अंडरटेकर का 90s का लेजेंडरी फ्यूड तो हमें याद ही है। जैसे ही ऑर्टन ने कमाला को आरकेओ दे दिया, अंधेरा हो गया, अंडरटेकर की ब्लू लाइटिंग रिंग में छा गई और फिर से टाइटन ट्रॉन पर हमने देखा आरकेओ, रेस्ट इन पीस। नेक्स्ट वीक मेन इवेंट में ऑर्टन के मैच के बाद अंडरटेकर अचानक से रिंग में प्रकट हुए और ऑर्टन को चोक स्लैम दे दिया।
SummerSlam 2005 का इन दोनों का मैच फिर से इंटरेस्टिंग रहा। यहाँ एक फैन ने अचानक इंटरफियर कर दिया और इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा लेते हुए ऑर्टन ने अंडरटेकर को आरकेओ दे दिया और ये मैच फाइनली जीत गए। फिर पता चला कि इंटरफियर करने वाला फैन नहीं, एक्चुअली बॉब ऑर्टन थे। नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन के ओपनिंग पर ऑर्टन बाप बेटे सेलिब्रेट करते हुए रिंग में आए और बॉब हॉली को ऑर्टन ने इस मैच में हराया। बाद में प्रोमो में ऑर्टन ने कहा कि उन्होंने हिस्ट्री ऑफ अंडरटेकर की डीवीडी को पर्सनली साइन किया है और इसे बेच के जो भी पैसा आएगा वो अंडरटेकर के रिटायरमेंट फंड के लिए वो डोनेट कर देंगे। अगले हफ्ते ऑर्टन ने फिर से कहा कि अगले हफ्ते उनकी साइन की गई डीवीडी को बेच के जो भी पैसा आएगा वो अंडरटेकर को दान कर देंगे और नेक्स्ट वीक अंडरटेकर जरूर स्मैकडाउन पर आ जाए। नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन पर अंडरटेकर रिंग में आए और कहा कि रैंडी ऑर्टन का वक्त अब आ गया है। तभी वहां दोनों ऑर्टन्स आ गए। रैंडी ने कहा कि वो अंडरटेकर को एक गिफ्ट देना चाहते हैं और अंडरटेकर रिटायरमेंट फंड का $1,416 का चेक उन्होंने सबको दिखाया और उस पर साइन भी कर दिया। अंडरटेकर ने गुस्से से इस चेक पर बिजली गिरा दी और उसे जला दिया। दोनों ऑर्टन्स डर के वहां से भाग निकले। नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन का मेन इवेंट था अंडरटेकर वर्सेस ऑर्टन। जी हाँ, ये मैच हमें स्मैकडाउन पर देखने मिला। यहाँ फिर से बॉब ऑर्टन ने इंटरफेयर कर दिया। एक काफी इंटरेस्टिंग चीज हुई इस मैच में, एक कैस्केड रिंग के पास आ गया। अंडरटेकर ने वो खोला और जो उनका एक्सप्रेशन था वो देखने लायक था, क्योंकि उन्होंने कैस्केट में खुद का हूबहू दिखने वाला पुतला देख लिया था। पहली बार कोई अंडरटेकर के साथ माइंड गेम्स खेल रहा था। खैर, अंडरटेकर ये मैच जीत गए। अगले हफ्ते दोनों ऑर्टन्स कैस्केट लेके आए जिसमें अंडरटेकर का पुतला था। रैंडी ने काफी अनाप शनाप बका। बाद में पता चला कि इस बार पुतला नहीं, सचमुच अंडरटेकर ही थे। अंडरटेकर ने ऑर्टन का गला पकड़ के उनको कैस्केट में फेंक दिया। बॉब ऑर्टन ने मुश्किल से अपने बेटे को बचाया और दोनों वहां से भाग गए। नेक्स्ट वीक बॉब ऑर्टन ने अंडरटेकर को चैलेंज किया और जैसा एक्सपेक्टेड था उनके मैच में रैंडी ने इंटरफेयर किया, मगर दोनों पर अंडरटेकर भारी पड़े। अगले हफ्ते रैंडी ने कहा कि वो और उनके पिता नो मर्सी पर होने वाले उनके कैस्केट मैच में अंडरटेकर को हरा देंगे। ऑर्टन्स वर्सेस पाइपर हैंडीकैप मैच में अंडरटेकर की गोंग के डिस्ट्रैक्शन से ऑर्टन्स हार गए। फिर कुछ ड्यूड्स एक कैस्केट लेके रिंग के पास आए। टाइटन ट्रॉन पर अंडरटेकर आए और उन्होंने वो कैस्केट खुलवाया तो अंदर हूबहू दोनों ऑर्टन्स के पुतले थे। नो मर्सी 2005 पर दोनों ऑर्टन्स ने अंडरटेकर को चेयर शॉट्स देके कैस्केट में बंद कर दिया और केन वर्सेस अंडरटेकर फ्यूड की याद दिलाते हुए जिस तरह 1998 रॉयल रंबल पर केन ने अंडरटेकर के कैस्केट को आग लगाई थी, उसी तरह अंडरटेकर के कैस्केट को आग लगा दी। इसके बाद अंडरटेकर टीवी से गायब हो गए। सर्वाइवर सीरीज 2005 के एंड में एक जलते हुए कैस्केट में अंडरटेकर वापस आ गए और ऑर्टन हैरान रह गए। ये वाकई एक यादगार कमबैक था। नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन पर ऑर्टन ने एक पाइप से अंडरटेकर पर अटैक कर दिया और उन्हें गाड़ी के बैक सीट पर डालकर वो गाड़ी रिवर्स लेके टाइटन ट्रॉन के नीचे क्रैश कर दी और गाड़ी में आग लग गई। दिसंबर 2 के स्मैकडाउन पर ऑर्टन ने आके कहा कि एक बार फिर से उन्होंने अंडरटेकर को खत्म कर दिया है, मगर ऑर्टन के मैच के बाद अंडरटेकर का गॉन्ग बजा और अंडरटेकर की आवाज सुनाई दी। जब ऑर्टन्स ने वहां से भागने की कोशिश की तो बिजली गिरी और जब भी रैंडी भागने की कोशिश करते उन्हें लगता कि वहां अंडरटेकर खड़े हैं। फाइनली टेकर की आवाज ने ऑर्टन को हेल इन अ सेल मैच के लिए चैलेंज कर दिया। नेक्स्ट वीक ऑर्टन जब रिंग में आए तो अंडरटेकर के हेल इन अ सेल मैचेस के वीडियोज हमें दिखाई दिए और टेकर ने कहा कि आर्मगेडन पर हेल इन अ सेल मैच में वो ऑर्टन को मिलेंगे। एक और यादगार सेगमेंट में हमने देखा कि अंडरटेकर के माइंड गेम्स शुरू ही थे और बाथरूम के आईने में ऑर्टन को अचानक से पीछे से अंडरटेकर नजर आए। यहाँ एक और मेमोरेबल सेगमेंट में ऑर्टन का इंटरव्यू लेते वक्त जॉश मैथ्यूज को अंडरटेकर ने पजेस कर लिया। काफी मजेदार सेगमेंट से आर्मगेडन से पहले वाले स्मैकडाउन का एपिसोड हेल इन अ सेल मैच को बिल्ड करने के लिए यूज किया गया। पूरे एपिसोड में माइंड गेम्स चलते रहे, मगर एंड में ऑर्टन और टेकर आमने सामने आए तो ऑर्टन ने अंडरटेकर का अर्न लाया जिससे अंडरटेकर हैरान रह गए। सबको लगा ये पॉल बेरर तो नहीं, मगर वो बॉब ऑर्टन निकले और ऑर्टन अंडरटेकर पर अटैक करने में कामयाब रहे।
आर्मगेडन 2005 पर एक शानदार हेल इन अ सेल मैच में इस फ्यूड का एंड हुआ। अंडरटेकर यहाँ जीत गए। वैसे देखा जाए तो अंडरटेकर वो पहले लेजेंड थे जिनको ऑर्टन किल नहीं कर पाए थे। यहाँ एक कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी। कहा जाता है कि बॉब ऑर्टन को हेपेटाइटिस सी बीमारी थी जो खून से फैलती है। ऐसे में बॉब ऑर्टन से ब्लेड जॉब कराना ठीक नहीं था, रिस्की था। अंडरटेकर को ये बात बाद में पता चली तो वो काफ़ी नाराज हो गए थे। जो भी हो, इस हेल इन अ सेल मैच के साथ ये लेजेंडरी फ्यूड एंड हो गया। इसके ऑलमोस्ट 3 साल बाद फरवरी 2009 में रॉ पर ऑर्टन वर्सेस अंडरटेकर मैच सेट किया गया। लेगेसी के इंटरफेरेंस के बाद अंडरटेकर वाया डिस्क्वालिफिकेशन ये मैच जीत गए। 2009 के एंड में रॉ के एक एपिसोड पर सुपरस्टार ऑफ द ईयर टूर्नामेंट में इन दोनों का आखिरी मैच हुआ। लेगेसी के इंटरफेरेंस के बाद रिंग के बाहर आरके और देके काउंट आउट से ऑर्टन ये मैच जीत गए एंड दिस वॉज द लास्ट टाइम दे फेस्ड ईच अदर। इंटरेस्टिंग चीज है कि ये पूरे राइवलरी में एक बार भी टाइटल इन्वॉल्व नहीं था। 2005 में एडी गरेरो वर्सेस रे मिस्टीरियो और बटिस्ता वर्सेस ट्रिपल एच राइवलरीज के साथ अंडरटेकर वर्सेस ऑर्टन वन ऑफ द बेस्ट राइवलरीज थी। तो ये थी कहानी टेकर वर्सेस ऑर्टन की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले हफ्ते एक और कहानी के साथ। देखते रहिए रेसलिंग स्टोरीज़।